की जाति पे हैं। यादव जात एक ऐसी जात है देश में जो आप युवा कह रहे हैं, वो कहता पहले भाई तब छपाई, पहले भाई फिर सपाई, फिर सपाई, खटाखट 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 ठकाटक ठकाटक पैसा जाएगा, ऐसा है ना। जिंदाबाद कुमारी महती, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हैं कृपा शंकर जी और जो है बाबू सिंह कुशवाहा, लोगों के पास जानते 30-30, 40-40 मुकदमे हैं। ये लोग चुनाव के बाद ये लोग जाए जेल, फिर घबराइए मत। ये दोनों उमा जो है कृपा शंकर जी और बाबू सिंह कुशवाहा जेल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुजानगंज में है और चुनावी माहौल ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो है बसपा के कार्यकर्ता हैं, लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो क्या माहौल है भैया, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल तो जो दिख रहा है सब ठीक ही दिख रहा है हमारे हिसाब से। मोदी जी आए कहें कि धड़ाधड़ जो है 4 जून को जौनपुर में इमरती बटेगी। देखिए सब अपना अपना जो है कुछ नहीं बटे, मोदी आवत है 10 साल से देखे तब, 10 साल देख लिए सब, कितना इमरती बटी। अरे 4 जून को इतनी बटेगी आप गिन नहीं पाएंगे। अरे 4 जून के बाद ना सारी सब कुछ जोड़ के खून निकाल ले सिरिंज से, खून निकाल ले, सिरिंज लगाए थे खून निकाल ले। यानी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री वही फिर से बन रहे हैं? कौन जरूरत है, बहुत बन गए हैं इतने दिन, अब क्या जरूरत है? मोदी जी जरूरत नहीं है। अरे अब ना जरूरत, 5 किलो राशन दे रहे हैं, अरे जा सम्मान निधि दे रहे हैं। मोदी जी क्या संविधान पे जानते हैं? वो कहे 70 साल बाद प्रधानमंत्री रहे हुए, मोदी जी के 1 महीना और कम है 70 साल पूरे हो जाएंगे इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वो कहे थे 70 साल बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, फिर कौन बनेगा? अरे फिर बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही है, बहन जी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। वो तो कह रहे हैं कोई नहीं, अरे कोई नहीं, हाँ बसपा के टक्कर में कोई नहीं है, बसपा टक्कर में कोई नहीं है। तो लग रहा है जौनपुर सीट निकल, जौनपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में हम सीट जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं? अरे हर जगह जीत रहे हैं, प्रतापगढ़ पंडित जी जीते हैं, जीते हैं फूलपुर पाल जी जीते हैं, मल्ली साहब से कृपा शंकर खरोज जीते हैं, सारे लोग जीत रहे हैं यहाँ भाई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप लोग जो है बीजेपी की टीम है, बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो यही हाँ। पार्टी है कांग्रेस बीजेपी और बसपा, ये लोग छोटी पार्टियां हैं, छोटे लोग ज्यादा बात करते हैं, जानते आपने, छोटे लोग घर में छोटे लड़के हो ज्यादा जिद करते हैं, बड़े लोग जो सांसी जीतती है। अरे छोटे हैं भाई, छोटी पार्टी के नेता है ना, बहन जी राष्ट्रीय पार्टी के नेता है, उनमें फर्क तो है कि नहीं है? बहन जी 21 तारीख को आ रहे हैं जौनपुर। हाँ 21 तारीख आ रहे हैं जौनपुर, क्या स्वागत तैयारी? अरे स्वागत तैयारियां हैं, उनको जिताना है, स्वागत की तैयारियां हैं। हाँ तो लग रहा है इस बार जीत जाएंगे। इस बार जीत ही जाएंगी, सब हो गया, सब कट गए, अब इसी के नंबर ही है। हाँ सब देख, कांग्रेस देख लिए, भाजपा दो ही पार्टी है, सिर्फ बसपा बची, इसको देखना है। अरे इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम जो है हराने निकले हैं, हरा के मानेंगे बीजेपी को, आप कह रहे हैं हम हराएंगे? ये सब दोनों हार गए हैं भाई, कहा भाई। हाँ राहुल गांधी जो कह रहे हैं महिलाओं खाते में खटाखट पैसा भेजेंगे 1 लाख, मोदी जी भी भेजे 15-15 लाख, मोदी जी भी भेज चुके ने 15-15 लाख भेजे सब। राहुल गांधी कह रहे हैं हम गारंटी ले रहे हैं। अरे पैसा 40-45 साल भेजे रहे लोग, वैसे भेजे ही। हाँ अच्छा जी, तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आई, इंडिया गठबंधन सरकार आई, महिलाओं खाते में 1 लाख पर हर सालाना हर साल खटाखट 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 ठकाटक ठकाटक पैसा जाएगा, ऐसा है ना? मोदी तो झूठ बोला ही बोला है, अब दूसरे नंबर झूठे ही बोलना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का है, उत्तर प्रदेश में कोई वजूद है नहीं, गठबंधन यहाँ कहाँ से जीतेगी, कहाँ जीतेगी? यहाँ जीतेगी बसपा, बसपा सारी लड़ाई है। अरे सपा से गठबंधन, अरे क्या बात कर रहे हो? अरे सपा से गठबंधन, कांग्रेस क्या वजूद है यहाँ पर? कोई है वोट यहाँ है कांग्रेस का? कांग्रेस का कोई वजूद कुछ है? नहीं, कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश से साफ है, जो अखिलेश जी है, अखिलेश साथ दो युवा साथ आए हैं, राहुल गांधी अखिलेश यादव। राहुल कांग्रेस का है ना, कांग्रेस का जब यहाँ वजूद कुछ नहीं है तो अखिलेश क्या करेगा? अखिलेश 2017 में चुनाव हुआ, देखा नहीं उसका परिणाम क्या हुआ 2022 में? हैं लोग विधानसभा में क्या हुआ? रथ यात्रा लेकर निकले, अरे विजय रथ यात्रा उनका खत्म है, उनकी जो है इस समय कहानी एकदम बिल्कुल खत्म है अखिलेश जी की। अखिलेश यादव बिल्कुल कहानी एकदम खत्म, इसके बाद वो न
उनकी हाल जो है कांग्रेस की जैसे हाल होगी यहाँ पर भी, हाँ। कांग्रेस की तरह भी है। दो युवा जो है मजबूत हाथ देखिए लड़ रहे हैं, अरे कहा गठबंधन है साथ में, गाजीपुर से भी आप देख रहे हैं मुख्तार अंसारी बाबजा अंसारी चुनाव लड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर उमेश सिंह बसपा जो कैंडिडेट है उसकी पूरी जनता हाहाकार मचा रही है, वो जीतेगा हर जगह जीतेगा। बीजेपी का जो कैंडिडेट वहाँ है नकल माफिया है वो भी चुनाव हार रहा है। यहाँ पर बहन जी कृपा शंकर जी मछली साहब जीत रहे हैं, यहाँ से हमारे सांसद जो है ईमानदार श्याम सिंह यादव एकदम निष्ठा ईमानदार व्यक्ति है, सबसे पढ़े लिखे हैं। और सुनिए यहाँ पर दो कैंडिडेट और हैं जानते हैं, कृपा शंकर जी और जो है बाबू सिंह कुशवाहा, इन लोगों पास जानते हैं 30-30, 40-40 मुकदमे हैं। हाँ। ये लो चुनाव के बाद ये लो जाए जेल, फिर घबराइए मत, ये दोनों उमा जो है कृपा शंकर जी और बाबू सिंह कुशवाहा सब जेल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, ये बचे नहीं। बाबू सिंह कुशवाहा पिछड़ों के नेता हैं, अरे नेता है वो बहुत बड़ा घोटालेबाज, बहुत बड़ा घोटालेबाज है, विकास करेंगे। अरे तो बादल भाग आया, यहाँ क्यों आया है? बादल के आया यहाँ कुछ पाएगा वो? उसका यहाँ कोई वजूद नहीं, ना कुछ कर पाएगा वो? क्या किए काम बताइए? 5 साल हमारे सांसद जी ने बहुत काम किया है, उन्होंने अपना जो है क्या है थोड़ा जनता को दिखाइए। ये बुक लेट है, इसमें है जिसको लेना है वो लेकर अपने देख ले। देखिए हमारे सांसद जी जो है आप मोदी तरफ प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, हमारा जो पैसा आया है वहाँ से सांसद निधि का वो सारा काम जो जनता सेवा के लिए लगाया, उन्होंने कभी एक पैसा किसी ने घुस लिया है और काम उन्होंने विधिवत किया है, लगभग उन्होंने कुछ नहीं गरीब लोगों के पास हर विधानसभा में 100-100 ऊर्जा दिया है और जो भी योजना उन्होंने दिया है जो भी उनके पास गया उनका काम उन्होंने विधिवत किया है, लेकिन जब हम लोग जाएंगे नहीं कहां से हमारा काम होगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के व्यक्ति जितने लोग हैं सब ईमानदार हैं, ईमानदार वो कभी निष्ठावान ईमानदार नेता है, वो तो 500 करोड़ रुपए लेके भगे हैं। अरे बाप रे बाप, पिछड़ों के नेता है, पिछड़ों की लड़ाई लड़ किस बात के? पिछड़ों के नेता नहीं है, पिछड़ों के नेता नहीं है, ये भी तो यादव है, लड़ाई लड़ रहे हैं। यादव को आप जानते कि नहीं जानते हैं? एक रात में जीतते चौथे पहले पा जाते हैं, गिरीश यादव पहले पा गए चौथे से, भारतीय जनता पार्टी से लड़े पहले पा गए। यादव जात एक ऐसी जात है देश में जो आप युवा कह रहे हैं, वो कहता पहले भाई तब सपाई, पहले भाई फिर सपाई, पहले भाई जीते आ जाए फिर सपा में आएंगे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम मिठाई लाल गौतम है। हाँ। लग रहा है यादव भी जा रहे सिद्धमारी, यादव सिद्धमारी का आयोग खुद ही कर रहा है, वो प्रदेश अध्यक्ष है यादव समाज, जानते ही नहीं? यादव समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, यादव सिद्धमारी कर रहे हैं, खुद ही करेंगे के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पटेल समाज के लोग, यादव समाज के लोग उनके साथ जी जान से लगे हैं। खुटहान में तरफा घूम गए, सागंज खुटहान मलहनी जो यादवों का गढ़ माना जाता है, सभी यादव हमारे सांसद जी के साथ हैं। आप लोग कह रहे जिंदाबाद बहन जी के बारे में कहा जाता, उनकी जब सत्ता आई सरकार आई सिर्फ मूर्तियां बनवाई जो है जनता के हित में। बहन जी 1 लाख पुलिस की नियुक्ति की आप जानते नहीं? 1 लाख मास्टरों की नियुक्ति की है और इसमें क्या हो जानते नहीं? लेकिन विपक्षियों ने आरोप लगाया कि कहा जो है मूर्ति की जगह जो है और हॉस्पिटल खोल सकती थी और चीजें। हॉस्पिटल नहीं खुला, कॉलेज नहीं खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खुला, हॉस्पिटल नहीं खुला है, मोदी बेटो राम मंदिर बनवाया है। भैया शिक्षा के क्षेत्र में बहन जी ने जितना काम किया है 76 साल के इतिहास में आजादी के किसी भी सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया है जितना बहन जी ने काम किया है, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, इंटर कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, विश्वस्तरी 6-6 यूनिवर्सिटी हो, आप कह रहे हैं पत्थर की मूर्ति लगवाने को, जब यही लोग बाहर जाते हैं तो यही बहन जी की जो पत्थर की मूर्तियां लगी है लखनऊ में इसकी तुलना विश्वस्तरी यही भारत के नेता करते हैं, लेकिन हमें आपको बता यही हर यही देशों में यही मोदी जी विदेश में जाते हैं। मोदी जी के साथ
अकेले टंका बजता अभी कहाँ बज रहा है मोदी जी, मोदी जी अमित शाह कैसे है मोदी जी, आप कह रहे हैं मोदी जी अकेले हैं, अकेले कैसे चुनाव लड़ रहे हैं मोदी जी, कोई चुनाव बना रहे हैं मोदी जी 38 पार्टियों से गठबंधन करके तब भारत में चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी एक पार्टी है, हमारी एक पार्टी हमारी सेवनी बहन अकेले लड़का रही पूरे भारत में, अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ रही है।